राजस्थान में विधानसभा चुनावों का आगाज जो है वो हो चुका है। सूबे की पूरी 200 सीटों पर एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान होना तय है। कांग्रेस, भाजपा सहित सारी राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों में यहां जुट चुकी है। हर एक सफर का, हम कह सकते हैं हर एक क्षेत्र का चुनावी इतिहास और पूरा समीकरण जो है वो फर्स्ट इंडिया बता रहा है। लगातार ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट जो है वो हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज हमारे सफर में हम लेकर आए अपने दर्शकों के लिए अलवर की तिजारा विधानसभा सीट। चुनावी इतिहास अगर इस जगह का देखें तो 2003-2008 में यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई, 2013 में जनता ने यहाँ पर भाजपा पर भरोसा जताया और 2018 में कह सकते हैं ना कांग्रेस ना भाजपा, बसपा को यहाँ पर जीत दिलाई। संदीप यादव यहाँ के मौजूदा विधायक है, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे डिंपल, लेकिन एमएलए का रिपोर्ट कार्ड तो यहाँ पर खंगालेंगे ही, उसके साथ ही साथ जानेंगे कि चुनाव जो हुए उसमें जीत में क्या कुछ लूपोल्स रहे और क्या कुछ कमियां रही। सही कहा तृप्ति आपने, राजस्थान विधानसभा चुनाव अपने दिलचस्प मोड़ पर है और सत्ता को पाने की जुगत में सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास शो लेकर आ पहुंचे हैं हम अलवर की तिजारा विधानसभा सीट पर। वो विधानसभा सीट जिसका 20 साल के इतिहास में 2003-2008 में कांग्रेस, उसके बाद भाजपा और वर्तमान विधायक बसपा से, उसके बाद कांग्रेस में, लेकिन ये कह सकते हैं कि तिजारा जो कि राजस्थान के 19 नवगठित जिलों में से एक है, मांग पूरी हुई या फिर उसका विरोध हुआ उसको लेकर भी बात करेंगे। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने यहाँ पर है, पक्ष दोनों यहाँ पर आमने सामने सुनेंगे कि किसके मुद्दे कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए। वर्तमान एमएलए का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, विधायक कोष से यहाँ पर कितना पैसा लगा, जनता से वादे किए थे वो कितने पूरे हुए कितने अधूरे रह गए, लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। और अभी पहला सवाल यहीं से शुरुआत करना चाहूंगी मैं। कांग्रेस 2003 में यहाँ से थी, 2008 में थी, उसके बाद 2013 में और 18 में मुश्किल क्यों हुई कांग्रेस को यहाँ पर आने की, उसके बाद भाजपा फिर बसपा क्यों ऐसा रहा, कांग्रेस कहाँ से साफ हो? कुछ योजना ऐसी थी कांग्रेस की, उस टाइम में इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाए थे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने जितनी योजनाएं दी हैं, जितने काम कराए हैं फील्ड में, उन सबको लागू किया है। सारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, कोई गुंजाइश ही नहीं है और भारी बहुमत से कांग्रेस राजस्थान में आएगी। तो ये माना जाए कि कांग्रेस के पास सिर्फ यही 5 साल है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, परफॉर्मेंस पर बात करने के लिए, क्योंकि कह रहे हैं अगर पिछली बार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे तो पिछले 10 सालों की बात कर ले, 10 साल में भी क्या इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई योजनाएं? देखिए, तिजारा विधानसभा में जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो सामान्य अशोक गहलोत जी के समय में हुए और कांग्रेस राज में हुए। यहाँ पर 4-4, 5-5 कॉलेज खुले हैं। 25 लाख का जो चिरंजीवी बीमा जो लागू किया है सरकार ने, उससे जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। और मेरा ज़्यादातर लगाव SMS हॉस्पिटल से रहता है। आज की तारीख में कांग्रेस ने वो काम किया है कि गरीबों को जो लाभ मिल रहा है, जैसे चिरंजीवी बीमा है, खाद्य सुरक्षा है और बिजली की जो छूट दी गई है 2000 यूनिट किसानों को, जो सीधा लाभ मिल रहा है। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने अब की बार जो काम किया है उससे जनता संतुष्ट है और कांग्रेस इस बार भारी बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रही है। विधायक के रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें, विधायक के कामकाज को लेकर बात करें, क्या मानते हैं विधायक का काम यहाँ पर कैसा था, विधायक को उससे कितना पैसा लगा और किन चीजों पर लगा? देखिए, विधायक संदीप यादव एक युवा है और जब युवा विधायक होता है सरकार के अंदर तो वो 24 घंटे काम कर सकता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 70 साल के अंदर विधायक बहुत हुए हैं, लेकिन अगर सब विधायक के काम की अगर हम डिबेट करें तो जो विधायक संदीप यादव का कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा और बहुत ज़बरदस्त काम हुए। बड़े काम अगर हम लेते हैं तो देखो, सबसे प्रथम तो तिजारा खैरतल जिला की घोषणा हुई है, तिजारा खैरतल जिला बना है। दूसरी बात, भिवाड़ी के अंदर SP बैठा है, भिवाड़ी के अंदर दो दो कोर्ट खुली हैं, SEGM कोर्ट, ADJ कोर्ट, टप्पूगढ़ा के अंदर SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय बना है, यहाँ पर तिजारा के अंदर पोस्को कोर्ट और एक SEGM कोर्ट खुला है। तो मेरा कहने का मतलब है ये तो हो गए प्रशासनिक दृष्टि से काम। उसके बाद में अगर हम स्वास्थ्य के उसमें लेते हैं, 100 बेड का हॉस्पिटल तिजारा में, 100 बेड का हॉस्पिटल। कामकाज को लेकर यहाँ पर तृप्ति बात हमने की तो ये कह रहे हैं कि विधायक कोष से पैसा यहाँ पर लगा है, कई यहाँ पर काम हुए हैं, चाहे वो विकास इन्होंने गिनती भी करवा दी उन चीजों की और कांग्रेस की योजनाओं की जहाँ तक बात है, पहले कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था लेकिन 5 साल में कांग्रेस ने बेहतर काम किया है। 2023 के लेकर आश्वस्त है कि आगे जीत कांग्रेस की होगी। जरा भाजपा से भी, भाजपा का रुख जान लीजिए कि 2013 में भाजपा आई थी लेकिन 2018 में भाजपा को मुश्किल का सामना क्यों करना पड़ा? 2013 में अगर जनता ने स्विच किया
गया था, तो उसके बाद 2018 में उसे बरकरार नहीं रखकर किसी दूसरी पार्टी को मौका क्यों दिया, जरा पूछिए। बिल्कुल, ये सवाल तो बनता ही है। अभी आपने जब कांग्रेस से सवाल कर रही थी तो बहुत सारी जो लिस्ट है कांग्रेस ने यहाँ पर गिनवाई है, जितने काम उन्होंने किए, जितनी योजनाएं यहाँ पर चल रही है उसकी। लेकिन ये सवाल मैं भाजपा से तो करूँ पर कांग्रेस से भी जरा पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब दो बार कांग्रेस को लगातार मौका दिया था तो भाजपा पर स्विच किया, जब भाजपा पर स्विच किया तो क्या भाजपा वो कार्य पूरे नहीं कर पाई कि 2018 में मौका नहीं दिया? ऐसा कुछ नहीं था। उस समय अलवर में हम कई सीटों को मार्जिन से खो दिया था और एंटी कम्बेंसी शायद रही थी पूरे राज्य में सरकार की, इसलिए प्रभाव रहा कि तिजारा सीट को हम लूज कर दिया था। लेकिन अभी जो मेरे काबिल भाई वकील साहब बता रहे थे कि यहाँ से युवा एमएलए रहे, मैं ये कहता हूँ कि भाजपा ने पहले अपना प्रत्याशी उतारा है, प्रत्याशी उतार करके कांग्रेस को और सभी पार्टियों को पूरा मौका दिया है, जैसे आप चाहो वैसे खुल करके मैदान में आ जाओ। हमारा भगवाधारी यहाँ आ चुके हैं, वो युवा ही नहीं अनुभवी भी हैं। आज की तारीख में अलवर जिले में इनसे ज्यादा युवा सक्षम ऊर्जावान व्यक्ति नहीं मिलेगा। भाजपा ने यहाँ पर तिजारा विधानसभा को स्वर्णिम अक्षर गढ़ने के लिए एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। जितने भी काम यहाँ पर अभी मौजूदा विधायक के गिनवाए गए, चाहे वो अस्पतालों को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, सभी क्षेत्र के, क्या कहेंगे उस पर, पुष्टि करेंगे कि सारे काम हुए हैं? जी, ये सरासर झूठ है कि विधायक ने काम किए हों। एक ऐसा माहौल पैदा करने का काम किया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बिल्कुल डामाडोल रही इस विधायक के कार्यकाल में, और एक वर्ग विशेष को लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर बाकी का चिकित्सा सेवाओं को लेकर ये जगह ठीक है, क्या यहाँ पर पूरी चिरंजीवी योजना का लाभ मिलता है? ये सरासर झूठ है। जितनी जांच होती है वो सारी पैसे के द्वारा होती है। देखिए डिंपल, कह सकते हैं जो इस आरोप है हमें कई जगहों पर सुनने को मिलता था कि जो बीजेपी की योजना है उन्हीं को कांग्रेस ने रीनेम कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि मौजूदा विधायक के जितने भी काम अभी गिनवाए गए थे उन पर लगातार जो भाजपा है, भाजपा का कहना है कि एक भी काम धरातल पर नहीं है। जरा पूछिए, नव जिला बनाने में तिजारा भी एक जगह है तो, लेकिन उस पर उसकी आलोचना भी की जा रही है, उस पर भी काफी सारे इश्यूज है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस यहाँ पर लगातार मुखर हो रही है, जरा सवाल कांग्रेस से पूछ लेते हैं। अगर योजनाएं कांग्रेस की इतनी प्रबल थी तो आगे जाके कौन सी ऐसी योजनाओं को मानते हैं जो वाकई जनता के काम आई है, जनता को एक तरह से फायदा पहुंचा है? कौन सी योजना बेकार है कांग्रेस की? चिरंजीवी बीमा योजना देखिए आप, चिरंजीवी बीमा योजना में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कर दिया, 25 लाख रुपए तक गरीब आदमी है जो पहले जमीन बेचता था, इलाज नहीं करवा पाता था, अपने राज बेच देता था, आज फ्री में उनका 25 लाख रुपए तक हो रहा है। कांग्रेस की योजनाओं को लेकर अगर कह रहे हैं बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, अगर इन चार चीजों की बात की जाए, क्या है तिजारा की वर्तमान स्थिति? अव्वल नंबर है, सारी सुविधाएं मिली है पब्लिक को, सारी जन सेवाएं हो रही है मुहैया। अभी बात करे तो भैया एमपी जो कैंडिडेट उतारा है यहाँ तिजारा विधानसभा से, वो हाल एमपी है भाजपा का, उन्होंने जनता को 5 साल शिकल नहीं दिखाई। हमारा जो बजट होता है विधानसभा का वो हमें नहीं मिला, और लोग मिलने जाते हैं तो उनको टाइम नहीं देता है वो। क्या कहेंगे, उधर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की योजना बहुत ज्यादा प्रबल है, क्या मानते हैं, कौन सी योजना है जो धरातल पर? मैडम, जितने माननीय संदीप यादव जी के कार्यकाल में जितने काम हुए हैं वो इतिहास में पहली बार काम हुए हैं। पिछले बार का रिकॉर्ड उठाया जाए, कितने सब सेंटर खोले पिछली सरकार ने, कितनी सीएचसी बनाई, कितनी पीएचसी बनाई, और आपका रिकॉर्ड उठा के देखे, रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है। इससे पहले हमारे विधानसभा क्षेत्र कहते हैं हर जगह क्या अलग अलग बातें, और ये कह सकते हैं यहाँ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक काम करे हैं। हर पक्ष यही कहता है, जब अपनी बारी आती है, जब कोई सत्ता में होता है विधायक, तो हर बार यही कहा जाता है कि यहाँ से विधायक ने काम कई किए, कई तरह के यहाँ पर काम हो गए, इससे पहले कभी इतिहास में कई काम नहीं हुए। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर काम अभी बाकी है? भाजपा के पास मौका आया था, सत्ता में भी भाजपा थी, दोगुना हो जाना चाहिए था काम, जरा पूछे क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल डिंपल, आपने सही कहा, यहाँ पर जब कांग्रेस समर्थकों से बातचीत की जाती है तो वो एक लिस्ट बताते हैं कि उन्होंने इतना सारा काम करवाया, लेकिन उस काम का उद्देश्य क्या है, जब जनता ही उस काम को नकार देती है, और यहाँ पर जो भाजपा है, भाजपा भी नहीं पुष्टि कर रही कि भाई इतना काम हुआ है। सवाल मेरा सिर्फ एक, मौजूदा विधायक ने कितने काम करवाए और कितने नहीं, जरा लिस्ट में बताइए और सटीक जवाब। 2013 से 2018 तक यहाँ से मास्टर मामन सिंह विधायक थे, एक शुरुआत से ही उन्होंने पहले दिन से और आखिरी कार्यकाल तक बहुत अच्छा काम किया, तिजारा में खुशहाली थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और फिर वैसा का वैसा हो गया। अब बात करते हैं भविष्य की, बीजेपी ने यहाँ बाहर से डमी कैंडिडेट भेज दिया है, यहाँ के सांसद हैं,
एक भी अगर मेरे को तिजारा का वासी बता दे कोई नारियल फूटा हो या कोई फीता कटा हो उनके कार्यकाल का, वो क्यों भेजा बीजेपी ने? क्या यहाँ के स्थानीय युवाओं को नहीं मौका दे सकती थी? स्थानीय प्रत्याशी को लेकर यहाँ पर जो मांग है वो की जा रही है, अगर आम जनता से मैं पूछूं, दोनों का कार्यकाल आपने देखा है, कांग्रेस का भी देखा, किसका कार्यकाल सही रहा, किसने कितना कुछ काम करवाया? मैडम 5 साल से तो एमएलए साहब दिखे नहीं, और इनके 5 साल पहले गुरुजी थे वो दिखे नहीं, और जुड़ाव नहीं है लोगों से, कहीं जुड़ाव नहीं है, दूर दूर तक ये बाहर के इलाके टेक, जनता काम कराने के रोहतक जाएगी। यहाँ कोई 260,000 मतदाता कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो भाजपा से चुनाव लड़ सके। शो की शुरुआत से हम राजनीतिक बातों में यहाँ पर उलझे हुए हैं, कौन सी पार्टी जीती, कौन सी हारी, क्या कमियां रही, क्या कुछ लूपहोल्स रहे, चुनाव सही हुआ था या नहीं हुआ था, चुनाव करके जिसको लेकर आए थे उसने काम कितना किया। लेकिन अब जरा बात करेंगे उन स्थानीय मुद्दों पर, क्योंकि अब आने वाले हैं 2023 के लिए चुनाव, मतलब कह सकते हैं नया विधायक हो सकता है कांग्रेस पार्टी का, हो सकता है भाजपा का, हो सकता है किसी अन्य राजनीतिक दल का हो, लेकिन उसके आने का उद्देश्य होगा यहाँ का विकास हो, तिचारा का विकास हो, यहाँ की जनता के जितने मुद्दे अभी 2018 में अधूरे रह गए, उससे पहले के जो मुद्दे जस से तस बने हुए हैं, उन सारे ही मुद्दों पर जो काम करे वो विधायक यहाँ पर आए और उसी को जनता चूज करे। देखिए सही कहा तृप्ति आपने, अभी तक बात हो रही थी राजनीतिक समीकरण पर, कौन कितना पानी में है, कौन किस पर भारी है, इन सबको लेकर बातचीत हो रही थी, भाजपा भी आई, कांग्रेस भी आई, किसी तीसरी पार्टी को भी मौका दिया जनता ने, लेकिन जनता स्विच तब करती है जब उसको विकास में कहीं कमी दिखती है, चाहे सत्ता विरोधी लहर के चलते हो या कोई और कारण रहा हो, काम पर चुनाव हो, व्यक्ति विशेष पर चुनाव हो, पार्टी पर चुनाव हो या नाम पर चुनाव हो, प्रत्याशी पर भी कई बार जातीय समीकरण को लेकर हो या कई बार नाम बदले जाते हैं उनको लेकर भी चुनाव होता है, लेकिन कुछ जनता ऐसी भी होती है जो काम देखकर वोट देती है, जब प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं उम्मीदवार तब वादा करते हैं कि 24 घंटे बिजली आएगी, 24 घंटे पानी आएगा, उन्हीं को देखकर जनता एक तरह से कह सकते हैं झांसे में आके आगे वोट देकर आती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद 70% चीजें तो पूरी हो जाती है, लेकिन वो 30% चीजें फिर भी अधूरी रह जाती है, उन पर कौन गौर करेगा, उन पर कौन ध्यान देगा, उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है, लगातार बातचीत कर रहे थे तिजारा विधानसभा में आम जनता से, कांग्रेस समर्थकों से, भाजपा समर्थकों से, अन्य पार्टियां जो यहाँ पर मौजूद है उनसे, और लगातार हमने जाना कि यहाँ का चुनावी समीकरण क्या कहता है, कौन सी पार्टी ने कब जीत हासिल की और क्या कुछ कमियां रही, भाजपा का कार्यकाल का काम भी जाना, कांग्रेस के कार्यकाल में कितना काम हुआ वो भी जाना, मौजूदा विधायक ने क्या कुछ किया वो भी जाना, लेकिन अब जरा जान लेते हैं वो स्थानीय मुद्दे जिसको लेकर यहां पर काम होना चाहिए, जनता ने जिन उम्मीदों पर वोट दिए थे क्या वो वोट देना सही रहा, क्या उनका चुनाव सही रहा, और अब जो विधायक यहां पर आएगा जनता उन्हें किन मापदंडों पर लेकर आएगी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहां पर जस के तस बने हुए हैं, तो आगे कौन से मुद्दे रहने वाले जरा डिंपल जानी है, क्योंकि विधायक जो भी है उसके पास में लिस्ट होनी चाहिए कि इस पर वो काम करे। देखिए बिल्कुल तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन हर बार क्या ये कह सकते हैं अलग अलग समर्थक यहाँ पर मौजूद है अलग अलग पार्टियों से, लेकिन उससे भी ऊपर उठकर यहाँ की आम जनता तिजारक है, आमजन भी यही है, और इनसे ही बातचीत करेंगे कि कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए, तिजारक, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा या सड़कें, कौन सी? देखो मैडम, पिछले 5 साल के दौरान लाइट की यहाँ कोई हमें पूरी लाइट नहीं मिली है, अगर आपको कोई भी काम कराना है तो आपको बिगर पैसे काम नहीं होता था, तिजारा के अंदर अगर हमारा जो विधायक था उसको मिलने के लिए या तो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था, फ़ोन उसको कर दिए जाए तो फ़ोन पे नहीं मिलता था, दूसरा जनता 5 साल बहुत परेशान रही है, कोई विकास के उसने सिर्फ पत्थर बहुत लगाए अपने नाम के लिए लेकिन धरातल पर विकास बिल्कुल जीरो। देखिए और पूछना चाहें अगर कोई मुद्दा जिसको लेकर काम हो। मैम हॉस्पिटल में जैसे अभी एक्चुअल क्या है, हम जाते हैं अब इनकेस अपन आफ्टर जो सर्विस होती है उसके बाद जाते हैं, तो हॉस्पिटल में अगर हम इमरजेंसी में जाते हैं तो हमें मोस्टली टाइम तो डॉक्टर नहीं मिलेगा वहाँ पे, कोई कंपाउंडर ही मिलेगा, हम पूछते तो बोलते भाई यही डॉक्टर है, और हमें पता है वो डॉक्टर नहीं है, उसकी ड्यूटी भी नहीं है, लेकिन वही ट्रीट करेगा, और दूसरी चीज़ वो कभी रात को ना तो कोई पर्ची बना के देगा, वो नॉर्मल आपको एक छोटा सा लिख के दे देगा कि हमने आपको टेबलेट दी, इनकेस अगर किसी को कोई रात को दिक्कत हो जाती है वो कोई अपना क्लेम। चलिए तो ये माना जाए कि जो अस्पतालों की बात कर रहे हैं विकास की, उनमें क्या स्टाफ नहीं है पर्याप्त? नहीं है यहाँ पर विकास नहीं है किसी भी तरीके का, आप बताइए कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का, मैम बेरोजगारी काफी बड़ी हुई है, यहाँ कंपनियां भी काफी है, उनमें यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ से बताना चाहेगा कोई मुद्दा जिसको लेकर काम? सबसे बड़ा मुद्दा तो लोकल का है, कांग्रेस में भी बाहर का, बीजेपी में बाहर का, तो यहाँ का नेता कहाँ गया फिर?
काम किया। मुद्दा तो बात में है, क्यों नहीं दिया स्थानीय उम्मीदवार को लेकर? और कौन सा मुद्दा जिसको लेकर? कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, यहाँ सारे काम कंप्लीट ऑलरेडी विधायक साहब ने करवाए हैं। आने वाले विधायक ही इनको काम को पूरा धरातल पर उतारने का प्रयास। मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए। देखिए मैडम, यहाँ पर कोई मुद्दा बाकी नहीं बचा है। मैं फिर आपसे वही सवाल रिपीट कर रही हूँ, विकास नहीं जानना मुझे, कौन सा मुद्दा है जो तिजारा की जनता चाहती है कि आगे कोई भी विधायक आए इस मुद्दे को लेकर काम करे? देखिए, आगे कोई भी विधायक बने, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो आपसी भाईचारा बना कर रखे, और वो आपसी भाईचारा कई दफा लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की, हमारे सम्माननीय विधायक जी ने उसको सबको नेगलेक्ट करके आपसी भाईचारा बना के रखा है। चलिए यहाँ पर मुद्दा बताइए जिसको लेकर काम हो। हमारे यहाँ नंबर एक बेरोजगारी का मुद्दा है। हमारी इतनी इंडस्ट्रियल एरिया है, इतनी जमीन गई है किसानों की, लेकिन उनमें के अंदर हमारे यहाँ लोकल जो जवान है, नौजवान है, उनको नहीं लिया जा रहा है, नंबर एक। दूसरा मुद्दा है, हमारे यहाँ नहर आनी चाहिए। अगर नहर नहीं आएगी तो पानी की शॉर्टेज जारी है। अलवर से लेकर ये बेल्ट है जो ERCP जो योजना है। चलिए, बेरोजगारी और पानी के अलावा कौन सा मुद्दा है? यहाँ जो केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, उस तरह पे जो राजस्थान सरकार के लिए मैनिफेस्टो लेके आएगा, उसकी सरकार यहाँ बनाएंगे जो दिल्ली की तरह पे काम करे। देखिए, दोनों तरह की बातें तृप्ति यहाँ पर कही जा रही है, और कह सकते हैं कि आधी जनता ये कह रही है, चाहे वो समर्थक हो किसी के भी, कहीं ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको लेकर काम होना चाहिए, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, नहर के पानी को लेकर हो, पानी की जो शॉर्टेज है उसको लेकर काम हो। ये तमाम मुद्दे इस तरफ से तो सुन लिए, राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के ये वही मुद्दे हैं जो आगे सरकार तक और दर्शकों तक पहुंचने चाहिए। अब जरा भाजपा से भी आमजन के तौर पर वो मुद्दे जान लीजिए जिसको लेकर काम होना चाहिए। बिल्कुल डिम्पल, तमाम मुद्दे आपने जाने उस साइड से। कांग्रेस की सत्ता में अभी यहाँ पर विधायक भी संदीप यादव उन्हीं के हैं, तो उन्होंने पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सारे मुद्दे वो गिनवाए। अब जरा मैं जान लेती हूँ भाजपा से, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, यहाँ पर तिजारा में ऐसी कौन सी कमी है, ऐसी कौन सी बात है जिसकी उम्मीद जनता को है और अब तक पूरी नहीं हुई? कोई कमी? बहुत सी कमियाँ हैं यहाँ पर जनता के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक किसान मोर्चे का नेता हूँ, जिसमें इस साल जो कमियाँ हुई है कांग्रेस के टाइम में, कि पहले तो किसानों का कोई लोन किसी तरह का ऋण माफ नहीं हुआ, दूसरा एक मजदूर किसान एक पाँच पाँच बीघा दस बीघा में दो दो कट्टों के लिए भटकता डोला है, परेशान होता हुआ डोला है सुबह सर्दी में आकर। किसानों को लेकर यहाँ पर मांग की गई है, क्या और कोई ऐसा मुद्दा मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो यहाँ पर पूरा होना चाहिए? मैडम, यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, सारी चीजें बेहाल है। जो ये 100 बेड की हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, आप वहाँ हकीकत देखेंगे तो इंजेक्शन लगने के बाद कॉटन भी नहीं है वहाँ। 100 बेड, 22 बेड, 23 बेड हैं जिन पर चिकित्सा सेवाओं में सुधार होना चाहिए। इसके अलावा कोई मुद्दा है? मुद्दे ही मुद्दे हैं मैडम यहाँ तो। अभी जो पीछे जनता से पूछ रहे थे, बिजली पानी, ये सारे मुद्दे ही हैं। बिजली पानी, इसके अलावा कोई मुद्दा? बेरोजगारी है, रोजगार मिलना चाहिए। बेरोजगारी को लेकर काम हो, इसके अलावा? सड़क, पानी, बिजली की कमी है जी। मूलभूत सुविधाओं को लेकर कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? एक लाइन में जवाब, ऐसी कौन सी कमी है जो यहाँ पर पूरी होनी चाहिए? पार्टी के समर्थक होते नहीं, आम जनता होकर बताइए। जनता की जो यह मांग है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो उद्योग धंधे हैं उसमें अपने लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा, चिकित्सा और इनमें स्वास्थ्य के संबंध में कांग्रेस सरकार सिर्फ और सिर्फ कागजों के अंदर घोषणाएं करती है। आप डाटा निकलवा लीजिए या हम देंगे, किसी तीन चार कॉलेज यहाँ खोले, एक प्रिंसिपल मात्र उस कॉलेज को संभाल रहा है। जिन्होंने उसमें एडमिशन लिए हैं वो विद्यार्थी, बिल्कुल उनका भविष्य चौपट हो चुका है। स्थानीय जो उद्योग धंधे, उनमें हमारे लोकल युवाओं को कोई रोक के, जितने मुद्दे हो सारे ही सुने जाएंगे। आप बताइए ऐसा कौन सा मुद्दा, सड़कों को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर और शिक्षा चिकित्सा को लेकर, जिससे आप परेशान हो? चिकित्सा से भी परेशान है और बेरोजगार को, बेरोजगार। आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शो की शुरुआत से यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं, उस पर प्रत्यारोप भी आ रहा है, और ये कहना कि यहाँ पर मौजूदा विधायक ने कितना काम किया उसको नकार देना कि बिल्कुल भी काम नहीं किया। और स्थानीय मुद्दों की जब बात करते हैं तो यहाँ पर सारे ही मुद्दे जो इन्होंने गिनवाए, चाहे वो बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों को लेकर बात हो, बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर नजर आ रहा है, उद्योग क्षेत्र है, उसके बावजूद यहाँ पर बेरोजगारी है। तो ये सारे ही मुद्दे वो है जिससे जनता ने उम्मीद लगाई है हर सरकार से। विधायक किसी का भी आए, चाहे पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर भाजपा की आई, बाद में बसपा की बनी, जो जितनी भी यहाँ पर चीजें हुई उसके हिसाब से जनता ने उम्मीद देकर वोट किया था। और डिम्पल, हमने कहीं ना कहीं सही कहा है,
जब सरकार पूरी नहीं कर पाती उम्मीदें तो जनता स्प्लिट करती है दूसरी पार्टी की ओर। तो ऐसा ही हुआ कांग्रेस से भाजपा पर, भाजपा से बसपा पर, और अब किस पर जनता जो है वो उम्मीद जताएगी, क्योंकि बागडोर सारी जनता के हाथ में है। किसकी क्या तस्वीर होगी, सारी बातें साफ होंगी। राजस्थान में नहीं क्या तस्वीर बनेगी, लेकिन तस्वीर कैसी भी हो उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए, आम जनता की सेवा करना। देखिए बिल्कुल सही कहा तृप्ति आपने, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी रह गए और सभी के मन में सवाल यही है कि राजस्थान में इस बार सरकार किसकी बनेगी। सवाल का जवाब साल के आखिर में जरूर मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर जाके हर एक विधानसभा में जाने की कोशिश कर रही है। वहां के एमएलए का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, साथ ही साथ जनता की भावनाएं क्या है, जनता ने जो विकास के मुद्दे देखकर आगे सत्ता में बिठाया था विधायकों को, क्या वो मुद्दे पूरे हुए या फिर अधूरे रह गए। कई मुद्दे यहाँ पर सामने आए, पानी को लेकर या फिर चाहे बिजली को लेकर हो या फिर बेरोजगारी को लेकर हो, ये तमाम मुद्दों पर आखिर कौन काम करेगा, भाजपा हो कांग्रेस हो कोई भी विकल्प हो, जनता उन्हीं के भरोसे पर रहती है, वही यहाँ पर विकास करेंगे। और ये कह सकते हैं कि अब तक की बात है, दोनों पक्षों की बातें हमने यहां पर सुनी, तमाम तरह के मुद्दे यहां पर सामने आई, और साल के आखिर में बागडोर किसके हाथ में जाएगी राजस्थान की, उसका जवाब तो मिल ही जाएगा। लेकिन अभी के लिए सफर को यही खत्म करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।